सब आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आप सब आजाद हैं, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस मम्लिकत पाकिस्तान में। असानी रियासत में कोई असाने नौजवान पे हकन की गाल करे तो खम जो मिले असी आजाद आयु असाने कौमी कारकुन रोज का खम जन असी आजाद आयु असानी न्यानी रोज की मजहब मटाएन 13 साल की छोकरी पैंजो मजहब जपी पिनी मर्जी सा की भी मटा सके। जी जैसे आपने कहा कि आप फोर्थ कन्वेंशन के बारे में सुनती हैं, हम झेलते हैं उसको, हम उसको अपने ऊपर टॉर्चर बर्दाश्त करते हैं, हमने उसको सहा है और वो इतना दर्दनाक होता है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये हमारी बेटियों के साथ मुसलसल हो रहा है, इस मेरे ख्याल से 7 या 8 महीने हुए हैं, हमारी 7 से 8 लड़कियां शिकार हुई हैं फोर्स कन्वर्शन का, जिसमें से 4-5 हमने जो ना वापस कराई है, वो हुई हैं वापसी हमारे यहाँ पर, लेकिन बहुत सी हमारी ऐसी भी लड़कियाँ हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। हमें एतराज़ है उनकी कम उम्र पर कि 13 साल की, 14 साल की, 12 साल की बच्ची को पाकिस्तान में कौन सा कानून है वो ये इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से मजहब भी चेंज कर सकती है, शादी भी कर सकती है, जबकि दुनिया लेवल का और पाकिस्तान का भी ये कानून है कि वो अपनी जब तक 18 साल की नहीं होती उसका NIC भी नहीं बनता। आप कहते हैं कि जी ये माइनॉरिटीज़ हैं, वो कहते हैं जी हम अक्सरियत हैं, तो हम ये कहते अभी जो नारा भी यहाँ पे लग रहा है और डिमांड की जा रही है कि हमें बराबरियत का हक दिया जाए, माइनॉरिटी कह के हमें कोटा सिस्टम में भी हमारे लिए कम रखा होता है चीज़ें, हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़ सकते एज ए MP है, एज ए MNA, तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। अगर हम बराबर के शहरी हैं तो फिर हमें हकूक़ भी बराबर के ही मिलने चाहिए, ना कि सिर्फ नाम की बराबरी दी जाए हमें। इसलिए मैंने देखा कि इलेक्शन में भी हमें वोट डालने का तो हक है, लेकिन इलेक्शन पे जनरल खड़ा होने का हक नहीं है, तो वो हक हमें जरूर मिलना चाहिए। जिन हमको बांटा गया है मजहब के नाम पे बांटा गया है, नफरतें फैलाई गई हैं मजहब के नाम पे फैलाई गई हैं, हमें जो पढ़ाया जाता है मजहब के नाम पे वो ये होता है कि एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड फैलाई जाए, हमें अक्लियतों में बांट दिया गया है, ये लफ्ज़ ही इतना तकलीफ देह है, और अक्लियतों में बांट के मारा जाता है, टारगेट किया जाता है, हाउसेज ऑफ वर्शिप टारगेट किए जाते हैं, अहमदियों के, क्रिश्चियंस के, हिंदूज के, कोई भी सेफ नहीं है इस मुल्क में, बहुत हो गया, इतना जुल्म बर्दाश्त अब नहीं होगा, सब तैयार हैं राइज करने के लिए, उठने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, सड़कों पे निकलने के लिए और अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए। We have to tolerate everybody and accept everybody. These are the universal principles of the world today. Once again, if I come back to the fact that Rabbul Alameen, which I so accept, not Rabbul Muslimin. आए हो पशु पालकी।